नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से गुरु नानक जयंती, आज गुरु नानक जयंती है और इसे कार्तिक पूर्णिमा भी कहते हैं, कार्तिक पूर्णिमा, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको गुरु नानक देव जी के बारे में संक्षिप्त जानकारी देने वाला हूं। तो आइए हम इस वीडियो के माध्यम से गुरु नानक देव जी के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करते हैं। गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा। गुरु नानक देव जी सिखों के पहले गुरु थे। उनका जन्म 15 अप्रैल 1469 को पंजाब के तलवंडी में एक किसान परिवार में हुआ था। प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रकाश उत्सव के रूप में उनका जन्मदिन मनाया जाता है। तलवंडी जो कि पाकिस्तान के लाहौर से 30 मील पश्चिम में स्थित है। गुरु नानक देव जी का नाम जुड़ने के बाद उसका नाम ननकाना साहिब हो गया। गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव पर्व पर प्रतिवर्ष भारत से सिख श्रद्धालुओं का जत्था ननकाना साहिब जाकर वहाँ अरदास या प्रार्थना करता है। तो इस तरह से बच्चों, गुरु नानक देव जी हैं सिखों के पहले गुरु थे। अंधविश्वास और आडंबरों के कट्टर विरोधी थे गुरु नानक देव जी। इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 को हुआ था और इनके बारे में जानते ही हैं आप कि बचपन में ये बहुत ही गंभीर स्वरूप के थे। बाल्यावस्था में ही जब बच्चे खेलते कूदते थे तो उस समय नानक देव जी नेत्र बंद करके चिंतन मनन करते थे। तो इनके पिताजी ने क्या किया, इनके इस दृष्टि को देख करके इन्हें ज्ञान प्राप्त करने के लिए पंडित हरदयाल के पास भेजा कि वहाँ जा करके शिक्षा ग्रहण करें। परंतु ये ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते थे कि पंडित हरदयाल जी निरुत्तर हो जाते थे और इनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते थे। और वे समझ गए कि नानक जो स्वयं ईश्वर से पढ़कर संसार में भेजे गए हैं उनको मैं ज्ञान नहीं दे सकता। उसके बाद नानक जी को उनके पिता ने मौलवी कुतुबुद्दीन के पास पढ़ने के लिए भेजा, लेकिन वह भी नानक के प्रश्नों से निरुत्तर हो जाते थे। इसके बाद नानक जी ने घर बार छोड़कर देश भ्रमण किया और देश भ्रमण करते हुए कबीरदास की निर्गुण उपासना का प्रचार वे करने लगे और वे सिख संप्रदाय के आदि गुरु बने। तो बच्चों, इस तरह से नानक देव जो स्वयं भगवान के रूप में अवतरित हुए और उनके बारे में, जन्म के बारे में आपने संक्षिप्त पढ़ा। अब हम देखते हैं कि उनके बारे में उत्तर भारत में किस तरह से, तो उत्तर भारत के प्रत्येक गांव तथा नगरों में इस पर्व की धूम रहती है। बच्चों, नदियों तथा सरोवरों के किनारे मेले लगते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रातः स्नान करने की प्रथा है। श्रद्धालुओं की भीड़ एक से दो दिन पहले ही लोग नदियों के किनारे जाकर स्नान दान करने के लिए जुट जाते हैं। आज के लोग जहां भी रहें, आज के दिन लोग जहां भी रहें प्रातः स्नान जरूर करते हैं।
गांव में बुजुर्गों द्वारा यह सुना गया है कि प्रातः स्नान करके वापस आते समय ही नानक जी को परमात्मा के दर्शन तथा साक्षात्कार हुआ था। परमात्मा ने उन्हें अमृत पिलाया था। तो लोग इस दिन प्रातः जो है जा करके नदियों और सरोवरों में क्या करते हैं, स्नान करते हैं। और ये मान्यता पहले से है कि नानक देव जी को प्रातः ही वे नदी में स्नान करने जाते थे। नानक देव जी नित्य जो हैं बेई नदी थी उनके गांव के पास, और उस नदी में स्नान करने जाते थे। तो स्नान करके आते वक्त उन्हें परमात्मा के दर्शन हुए और परमात्मा ने उन्हें क्या पिलाया, अमृत पिलाया। और उन्होंने कहा कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, जो तुम्हारे संपर्क में आएगा वे भी आनंदित होगा। जाओ दान दो, उपासना करो और स्वयं नाम लो और दूसरों को भी नाम स्मरण कराओ। तो इस तरह से नानक देव जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इन कथाओं के आधार पर ही लोग इस दिन को कार्तिक पूर्णिमा और गुरु नानक जयंती के पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। और लोग सरोवरों में जा करके, नदियों में जा करके स्नान करते हैं, दान करते हैं। और नानक देव जी के देखिए उपदेश, जो उन्होंने 10 उपदेश दिए लोगों को, उन 10 उपदेशों को मैं आपको यहाँ संक्षिप्त रूप में इसका वाचन कर रहा हूँ। तो नानक देव जी के उपदेशों पे चल करके हमें क्या करना चाहिए, अपने जीवन में सुधार लाना चाहिए। तो नानक देव जी के उपदेश, उन्होंने लोगों को उपदेश दिया कि ईश्वर एक है, कण कण में परमात्मा का वास है। उन्होंने बताया कि कण कण में क्या है, परमात्मा का वास है कि कण कण में है वास है मेरा, बड़े जीव में बड़े सवेरा, और सबको नित उठ भोजन देऊं, सबकी खबर सांझ को लेऊं। इसके बाद प्रत्येक सजीव प्राणी तथा निर्जीव में वह परमात्मा ही व्याप्त है, कि प्रत्येक सजीव या कण कण में परमात्मा का वास है। परमात्मा की भक्ति करने वाले को किसी का भय नहीं रहता। उन्होंने बताया कि सभी स्त्री और पुरुष क्या हैं, समान हैं। भोजन शरीर को जिंदा रखने के लिए जरूरी है, पर लोभ लालच तथा वस्तुओं का संग्रह करना ये बुरी आदतें हैं। बुरा कार्य करने के बारे में कभी मत सोचो और ना किसी को सताओ। नानक देव जी ने कहा कि बुरा कार्य करने के बारे में कभी दिमाग में, मन में विचार मत लाइए, मत सोचिए और किसी का बुरा मत करिए। मेहनत और ईमानदारी की कमाई में से जरूरतमंदों को भी कुछ दान देना चाहिए। सदैव एक ही ईश्वर की उपासना करिए। उन्होंने बताया कि सदैव आप क्या करिए, एक ईश्वर की उपासना करिए। और हमें अर्थात मानव को सदैव प्रसन्न रहना चाहिए और ईश्वर से सदा अपने लिए क्षमा मांगनी चाहिए। तो इस तरह से गुरु नानक देव जी ने लोगों को ये 10 संदेश दिया। गुरु नानक देव जी का निधन करतारपुर में सन 1539 ईस्वी में हुआ। तो गुरु नानक देव जी के यह 10 उपदेश अपनाएं, जीवन सफल बनाएं। कहते हैं कि गुरु नानक देव जी के ये 10 जो उपदेश हैं इनको अपनाइए और अपना जीवन सफल बनाइए। तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से गुरु नानक देव जी के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करिए और उनके बताए गए उपदेशों के का अपने जीवन में पालन करिए और अपने जीवन को सुखी तथा समृद्ध बनाइए। धन्यवाद सभी को।